जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जो साथियों हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न उनमें से हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस बार भी हम 15 ऐसे प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं जो साथियों आपके सभी परीक्षाओं में यूपी टेट में खासकर और सुपर टेट में हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से छप जाते हैं। तो उम्मीद है आपको साथियों वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो पर आपने काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिया था, तो इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। साथियों, पहला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा साथियों? वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। तो हिंदी साहित्य के जो प्रश्न बनते हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट में खासकर बनते हैं, और इसी तरह से कुछ प्रश्न सुपर टेट में भी आते हैं। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और चारण काल आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आरंभिक काल को वीर गाथा काल आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, सिद्ध सामंत काल आपका राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, और चारण काल आपका जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। क्या? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। तो कौन है कविता के रचयिता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है वीरों का कैसा हो बसंत इसके रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा साथियों महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र ये साथियों इसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ साथियों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं।